कभी कभी काफी परेशान कर देते हो तुम लोग, मतलब क्यूट तो लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो एंड परवाह करते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछते हो क्या हो रहा है चैनल का, क्यों सब्सक्राइबर्स डाउन जा रहे हैं, क्यों व्यूज डाउन जा रहे हैं, एंड मुझे आंसर्स पता है, एंड मैं बताना नहीं चाहता हूँ, शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे रीजन है, पर आज करते हैं चलो कुछ बातों को रिवील एंड आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चल रहा है मेरे साथ एंड चैनल के साथ क्या चल रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे बॉलीवुड का। आज के टाइम पे इस चैनल पे मेरे और बॉलीवुड के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो गई है। आज का बॉलीवुड और मैं दोनों ही रिलेटेबल नहीं रहे और ऑडियंस को चाहिए कुछ रिलेट करने के लिए। आज के टाइम पे तुम एमसीयू की मूवीज देखते होंगे, अमेरिका का दलाल बहनचोद, कोई भी हमारी सुपर हीरो मूवीज देखते होंगे, तुम मजा आता है क्योंकि हम टाइम के साथ इवॉल्व कर गए हैं, हम वो बच्चे नहीं है यार, वो 2010 नहीं चल रहा है, भैया लव स्टोरी देख रहे हैं एंड दिल टकरा रहे हैं, लोग टकरा रहे हैं, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, किताबें उठ रही हैं एंड यहाँ पर गुलाब का फूल निकल रहा है, कुछ चीजें जा चुकी हैं। आज का बॉलीवुड फिर भी उन चीजों को चला रहा है एंड जिसकी वजह से लगातार आप देख रहे हो कि कैंसिल हो रही है मूवीज एंड यहाँ पे अपना बजट भी पूरा नहीं कर पा रही है एंड सेम मेरे साथ चल रहा है। मैं रिलेटेबल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्टेंट क्या था, जब तक फ्री फायर था, जब तक ई स्पोर्ट्स था, तब तक रिलेटेबल था, बट आज के टाइम पे मैं अगर बात करूं तो कंटेंट रिलेटेबल नहीं है क्योंकि ऑडियंस कुछ नया चाहती है, ऑडियंस कुछ ही एंटरटेनमेंट, ऑडियंस कुछ ही कलेश, ऑडियंस कुछ ही मसाला। पहले मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता था। फिर मैंने बायजूस का टैब खरीदा, अब मैं चुतिया भी हूँ एंड जो इस चैनल पे शायद कम हो चुका है, पहले मैं बीच में मसाला भी दे रहा था बट वो कम हो चुका है क्योंकि कंटेंट ही नहीं है एंड मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं पिछले कुछ मंथ से, 3 से 4 महीने से एक ऐसे मेंटल स्टेट से गुजर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी फैमिली को अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, खुद को नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे साथ चल क्या रहा है एंड मैं ये बातें अपने बहुत क्लोज वन से भी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, तो तुम समझोगे कि बहुत अलग मेंटल स्टेट से गुजर रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। एंड थर्ड चीज है कि मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं तुमको हुक नहीं कर पा रहा हूँ अपनी वीडियोज में, एंड ये रीजन इसीलिए है कि वीडियोस की कोई प्लानिंग नहीं है, सडनली कुछ भी दिमाग में आता है वीडियोस बन जाती हैं, जैसे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूँ, वर्ड कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लाइंस बनती जा रही है, लाइंस के पैराग्राफ बन रही है, पैराग्राफ बन के तुम्हारे सामने वीडियो आ रही है, तो इसी तरीके से कुछ भी चल रहा है एंड कुछ भी आ रहा है। ऑडियंस को सबसे पहली चीज चाहिए कि एक रेगुलर बंदा चाहिए और रेगुलर में नहीं हो पा रहा हूँ, कास्टिंग कभी कुछ कभी कुछ, कभी लाइफ में फंडे, कभी इमोशनल डैमेज, कभी साइकोलॉजिकल डैमेज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना, यहाँ पे बंदा तुम्हारे सामने गिरता जा रहा है। तो हाँ, तो सबसे बड़ा चेंज जो लेके आना है वो होता है डिसिप्लिन, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब मुझे भी डिसिप्लिन में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पिछले 6-7 महीने से डिसिप्लिन में नहीं था पर अब डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, डिसिप्लिन तब आएगा जब मैं रेगुलर हूँ। रेगुलर कैसे होऊंगा? एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिलेगी, जैसे आज अगर वीडियो आई है तो कल वीडियो नहीं आएगी, परसों वीडियो आएगी। अब तुम पूछो कि भाई किस टाइम पे आएगी, क्योंकि टाइम जानना जरूरी है, अगर कुछ भी वीडियो आती है तो तुम्हारे लिए टाइम जानना जरूरी है ताकि तुम कम से कम तुम्हारे दिमाग में रहे, तुम्हारे बायो क्लॉक में वो टाइम लग जाए कि हाँ और भाई कि इस टाइम पे वीडियो आएगी, 10 मिनट निकाल करके देखनी है। तो मैं टाइम रख रहा हूँ शाम को 4 बजे, हमारी वीडियोस शाम को 4 बजे आएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन कोशिश करेंगे शाम को आपको टाइम पे वीडियोस दें एंड ये सिलसिला हम लंबे टाइम तक करी रखेंगे। पहले मेरी वीडियोस सुबह के 9 बजे आती थी, स्कूल जाने से पहले बहुत सारे लोग देख करके जाते थे, कई सारे लोग ऑफिस जाने से पहले देख के जाते थे, बट हमने टाइम को ऐसे ऊपर नीचे करा और टाइम ने हमारे को ऊपर नीचे कर दिया, तो अब टाइम पाने की जरूरत है, शाम को 4 बजे आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिलने वाली। ये तो होगी टाइम की बात, अब कंटेंट की बात करते हैं कि तुम क्या देखने के लिए आओ। तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले टाइम पे कंटेंट को फ्री फायर तक ना रखें, अभी फ्री फायर नहीं है तो हमें और भी चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। मैं पार्टनरशिप प्रोग्राम से आया था ये डिस्कवरी करने के लिए, मैं पार्टनरशिप प्रोग्राम से बाहर भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं डिस्कवरी करना चाहता था, मैं और भी चीजें डिस्कवर करना चाहता था क्योंकि कुछ भी पार्टनरशिप प्रोग्राम में चल नहीं रहा था, ऐसा मुझे नहीं लगा कि इस टाइम पे मेरे लिए पार्टनरशिप प्रोग्राम ठीक है एंड कुछ टर्म्स भी ऐसे नहीं बनी जिसकी वजह से हम बाहर आ गए, पर अब बाहर है तो इस बाहर आने का पूरा फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। पिछले 3-4 महीने मैंने रोने धोने में निकाल दिया और ये 3-4 महीने में और ज्यादा रोने धोने में नहीं निकालने वाला क्योंकि साल ही 3 महीने का बचा हुआ है। तो हाँ, अब कोशिश करने की कंटेंट तुम लोग बताओ क्या बना सकते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, रिएक्शन वीडियोस हैं एंड बहुत सारा मसाला भी है जो हम लेके आने की सोच रहे हैं। वाह क्या सीन है। तो तुम लोग बताओ, अभी तुम्हारी मुझे भागीदारी की जरूरत है, तो जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उस तरीके से इस चैनल के भी मॉनिटर बनो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या तुम लोगों को देखने में मजा आए। होपफुली ये वीडियो एक छोटा सा मैसेज था, छोटा नहीं 4 मिनट का मैसेज था, काफी बड़ा हो गया। तो मिलता हूँ तुमसे सही वीडियो में एंड कई सारे टिप्स लेके आएंगे, कई सारी चीजें लेके आएंगे, काफी सारा मसाला होने वाला है, इंटरनेशनल नेशनल बहुत चीजें कवर करनी है जो रह रही हैं, लेके आते हैं हम।